सभी मित्रों को जय जय सियाराम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। कबीर दास जी की एक कथा। एक बार की बात है कि कबीर दास जी के कुटिया के नजदीक एक वेश्या ने अपना कोठा बना लिया। एक और तो कबीर दास जी भगवान का नाम लेते थे, तो वही वेश्या के घर में 24 घंटा नाच गाना होते रहता था। एक दिन कबीर जी उस वेश्या के यहाँ गए और कहा कि देख बहन, तुम्हारे यहाँ बहुत बुरे लोग आते हैं, तो आप और कहीं जाकर रह सकते हो क्या? संत की बात सुनकर वेश्या बिगड़ गई, भड़क गई और कहा कि अरे फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है, कहीं जाना है तो तू जाकर रह, पर मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। कबीर दास जी ने कहा कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी वैसे ही करो। कबीर दास जी अपनी कुटिया में वापस आ गए और फिर से अपने भजन कीर्तन में लग गए। जब कबीर के कानों में उस वेश्या की घुंघरू की झंकार और कोठे पर आए लोगों के गंदे गंध सब सुनाई पड़ते, तो कबीर दास जी अपने भजन कीर्तन और जोर जोर से शुरू करने लगे। तो भजन का ऐसा प्रभाव हुआ कि जो लोग वेश्या के कोठे पर आते जाते थे, वो अब आकर कबीर दास जी के पास बैठकर सत्संग सुनने लगे। वेश्या ने देखा कि ये फकीर तो साधारण नहीं है, ये जादूगर है, इसने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। अब तो सब लोग उस फकीर के साथ ही भजनों को की महफिल लगाकर बैठते हैं। वेश्या ने क्रोधित होकर अपने सहपाठी से कहा कि तुम उस फकीर जादूगर की कुटिया को जला दो ताकि यहाँ से वो भाग जाए। वेश्या के आदेश पर उनके यारों ने संत कबीर दास जी की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया को जलती देख संत कबीर दास जी बोले, वाह मेरे मालिक, अब तो तू भी यही चाहता है कि मैं यहां से चला जाऊं। प्रभु, जब आपका आदेश है तो अब जाना ही पड़ेगा। संत कबीर दास जी जब वो अपने कुटी को छोड़कर जाने ही वाले थे, तो भगवान से अपने भक्त का अपमान नहीं देखा गया। उसी समय भगवान ने ऐसी तूफानी हवा चलाई कि कबीर जी की कुटिया की आग बुझ गई और वेश्या के कोठे में आग पकड़ ली। देखते देखते वेश्या का कोठा जलने लगा। वो चिखती चिल्लाती हुई कबीर दास जी के पास आकर कहने लगी, अरे कबीर जादूगर, देख मेरा सुंदर कोठा जल रहा है, मेरे सुंदर कपड़े जल रहे हैं। कबीर दास जी को अपनी झोपड़ी की फिक्र नहीं थी, तो किसी के कोठे से उनको क्या लेना देना। कबीर जी खरे खरे हंसने लगे। कबीर की हंसी देखकर वेश्या क्रोधित होकर बोली, अरे देखो यारो, इस जादूगर ने मेरे कोठे में आग लगा दी। अरे देख कबीर, जिसने तूने आग लगाई वो कोठा मैंने अपना तन मन और अपनी इज्जत बेचकर बनाया, और तूने मेरे जीवन भर की कमाई को पूंजी को नष्ट कर दिया। कबीर दास जी मुस्कुराकर बोले कि देख बहन, तू फिर से गलती कर रही है। और कबीर दास जी कहते हैं कि ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी अपनी यारी निभाई। तो तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई तो मेरा भी तो यार बैठा है, मेरा भी तो चाहने वाला है। कुटिल वेश्या की कुटिलाई, संत कबीर की कुटिया जलाई, श्याम पिया के मन भाई, तूफानी गति दे हवा की, वेश्या के घर आग लगाई। उस वेश्या को बड़ी गलानी हुई कि मैं मंद बुद्धि एक हरि भक्त का अपमान कर बैठ